नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रमणि शर्मा है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, लेकिन मैं आपको अपने दिल्ली में जो मेरा फ्लैट है छोटा सा, उसके ऊपर मैंने छत में एक अपना गार्डन बना रखा है। तो आज मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊंगा, जिसमें मैंने 60-70 तरह के पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जो काफ़ी ऑर्गेनिक चीज़ें भी है, हर्बल चीज़ें भी मैंने लगा रखी है। तो आपको मैं दिखाऊंगा, और अच्छा लगे मेरा वीडियो तो इसको लाइक और शेयर करें। तो आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें मैंने कई तरह के पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये मोर पंखी है, और इसके बाद गिलोय है, अश्वगंधा है, आर सिंगार है, अनार का पेड़ है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही लगा रखी है। इसमें काफ़ी मैं इसमें अपना समय जितना मेरे को मिलता है मैं इसी में बिजी रहता हूँ। पुदीना देखिए, ये पुदीना है, हम पूरे साल सुबह पुदीने की चाय पीते हैं। तो ये पुदीना है, और ये देखिए हमारा हरा धनिया भी तैयार होने वाला है। तो अच्छा लगता है, मतलब ये नहीं है कि भाई इससे बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन एक मन को शांति मिलती है। और एक गिलोय लगा रखी है भाई, डेंगू का प्रकोप भी होता है कई बार, तो गिलोय बड़ी अच्छी चीज़ है, इसके पत्ते भी चबाओ जब भी, इससे काफ़ी वो मिलती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अभी तो पतझड़ है, पतझड़ में थोड़ा सा आपको ग्रीनरी कम दिखेगी। ये देखिए, ये नींबू है, मतलब ये डेकोरेशन वाला नींबू है, ये वैसा नींबू नहीं है, बहुत खट्टा बहुत होता है ये, इसका अचार भी डलता है, लेकिन हमने तो खैर नहीं डाला। तो ये इसमें बहुत सारे नींबू पूरी साल रहते हैं। तो ये है, इसके बाद मैंने देखिए गुलाब भी लगा रखा है। गुलाब में कितनी अच्छी पंखुड़ियाँ, इनकी कलियाँ आ चुकी है, देसी गुलाब है। ये नींबू का पेड़ है, अभी इसको लगाए हुए एक साल हुआ है, इसमें नींबू। आम का पेड़ है, इसमें पिछली बार आम लगे थे, 6-7 महीने का है, अभी छोटा पेड़ है, तो इसमें आम आए थे। और ये बेम्बू, जो कहते हैं कि एयर प्यूरीफाई है ये, और तुलसी जी है। उसके बाद देखिए स्नेक प्लांट, मैंने कई गमलों में इसी को, जैसे ये डंडी है, इसको काटा, दूसरे गमले में लगा दिया, जैसे मैंने इसमें लगा रखी, और ये चल जाता है उसी से। ये सारे मैंने एक एक पेड़ से ही सब में लगाएंगे, 4-5 जगह लगा दिए। स्नेक प्लांट अच्छा होता है, एयर प्यूरीफाई है। अंगूर की बेल देखिए ऊपर, ये अंगूर की बेल है, इसको 2 साल हो गए। अंगूर पिछली बार इसमें फूल तो आए थे, लेकिन अंगूर तो नहीं टिके, उम्मीद है इस बार आएंगे, तो आपको जब भी दिखाऊंगा। और ये अमरूद का पेड़ देखिए, इसमें मतलब बहुत बड़ा साइज अमरूद आता है, अभी इसको लगाए हुए 1 साल हो गया, तो इसमें अमरूद काफ़ी अमरूद आए थे, बड़ा अच्छा अमरूद। ये संतरे का पेड़ है, संतरे के हैं ये, जो हम नॉर्मल जो संतरे घर में खाए थे तो उनके मैंने लगा दिए। तो ये देखो संतरे, हालांकि संतरे तो इनमें अभी आए नहीं हैं, पर संतरे के पेड़ हैं। और ये पुदीना मैंने ऊपर भी लगा रखा है, देखो बोतल में, ये बोतल के अंदर लगा के, तो ये पुदीना है। और अनार है, मनी प्लांट का ये मैंने गेट बना रखा है, देखिए मनी प्लांट का पूरा एकदम अच्छा लगता है। और क्रिसमस ट्री देखिए कितना बड़ा है, छोटा सा लिया था मैंने ये, और इसको मैं ऊपर से बता देता हूँ, मैंने 2-3 बार तो इसको काट दिया, क्योंकि ऊपर शेड आ गया, नहीं तो ये काफ़ी ऊपर तक चला जाता, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। और इधर तुलसी है, ये है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। आगे मैं आपको अपनी छोटी छोटी जो वीडियो होगी वो डालता रहूँगा। कभी मैं अपने हिमाचल जाऊँगा तो अपने गाँव की, अपने देवी माता चतुर्भुजा की, वहाँ की साइड सीन आपको डालूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।